ये मतलब पहले दादी बाबा इसमें रहा करते थे, अभी कोई नहीं रहता है, मतलब खाली सा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों से बताया तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस। ये चेक करो, सूर्यदेव महाराज निकल चुके हैं जो कि कितने मस्त में, और इधर काफ़ी ज़्यादा कोहरा है आज, चेक दिस आउट। और मेरा कल जो है टिकट है मुंबई का, मेरे को कल जाना है मुंबई सुबह में, पनवेल है 6:25 पे सुबह के टाइम में। और आज अभी ऐसा दिन चल रहा है, और ये देखो धान वगैरह सब यहाँ पे पड़ा है, सभी धान वहाँ पे भी तोपा गया है, यहाँ पे भी है। अभी इसको मतलब खोलना है धान को, अभी नहीं खोलूँगा बट थोड़ी देर बाद, शीत अभी काफ़ी ज़्यादा गिरा है ना, इसलिए अभी नहीं खोलूँगा इसको, सीट एकदम झड़ जाएगा फिर खोलूँगा। और आप लोग से बता दो तो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से, छत के ऊपर से। और ये चेक करो, वहाँ पे है शिव जी का मंदिर, तुलसी माता और शिव जी का। मेरे को खाद लाने कहीं ना कहीं से ढूंढना है, क्योंकि कल मैं चला जाऊँगा तो पापा अकेले दौड़ेंगे कहाँ कहाँ पे, इसलिए आज जाना है खाद लाने। और ये चेक करो घर का हालात, ये मतलब पहले दादी बाबा इसमें रहा करते थे, अभी कोई नहीं रहता है, मतलब खाली सा है। और ये घर जो है अभी नीचे से दिखा रहा हूँ कैसा है। और दोस्तों, मैं अभी नीचे उतर चुका हूँ और नीचे से कुछ इस प्रकार से घर, चेक दिस आउट। ये है लिंटर, ये भी कहीं कहीं से कड़क है, आप लोग को दिखाता हूँ मैं कहाँ कहाँ से कड़क है। ये चेक करो, ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, वहाँ से भी चिरका है और यहाँ से भी है। अरे मतलब कोई बात नहीं, अभी चलेंगे खाद लेने, फिर मिलेंगे आराम से। दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं खाद खोदने के लिए, मेरे साथ है अजीत, चला रहा है गाड़ी और चल रहे हैं हम लोग आगे फटाक फटाक से। मतलब देखिए अभी खाद मिलता है सोसाइटी पे है या फिर नहीं है, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से आज खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि दरअसल आज ही मैं हूँ घर, इसके बाद तो रहूँगा नहीं घर, क्योंकि कल सुबह में मेरा टिकट है 6:25 पे, आप लोगों को दरअसल बता ही दिया हूँ। सो चलते हैं आगे, देखते हैं पहले खाद मिलता है या फिर नहीं, चलिए आगे चलते हैं, क्या होता है वहाँ पर मिलेंगे आपसे। दोस्तों अभी आया था सोसाइटी पर, सोसाइटी बंद है, चेक द साउथ, ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी आया ही नहीं है, खाद ही नहीं आया, सब लोग बोल रहे हैं। देखिए यही है सोसाइटी हमारे, देख सकते हैं आप लोग कैसा दिख रहा है। और सोसाइटी ये बंद है तो क्या फ़ायदा दोस्तों, ये ऐसा सोसाइटी खुले, और खाद भी अभी तक नहीं आया है, क्या करें यार। कल मेरे को जाना है मुंबई, और पापा बोले थे ला देना कहीं ना कहीं से करके, जब मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से लाऊंगा, अभी देखिए कहाँ पे, कहीं ना कहीं पे और जाएंगे। चलो ये कहीं पे चला जाए और का, यहाँ देखिए नहीं मिला है, अभी चलते हैं कहीं और। दोस्तों अभी जा रहा हूँ दुकान पे, दुकान पे देखिए क्या होता है वहाँ पे, कितना रेट चल रहा है देखते हैं पहले, समझते हैं अगर होगा मतलब 10-20 ज़्यादा तो ले लेंगे वहीं से, वरना ज़्यादा होगा तो छोड़। दोस्तों अभी दुकान पे आया था, यहाँ पे भी नहीं है खाद वाला, नहीं है ये जो हम लोग को खोज रहे हैं वो नहीं है, तो अभी चल रहे हैं कहीं पे और देखते हैं, या तो घर पे चलते हैं क्या करेंगे। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग अमावा बाज़ार, देखते हैं वहाँ पे मिल जाती है तो अच्छी बात है, यहाँ पे भी नहीं मिला खाद, चलते हैं आगे और क्या देखते हैं क्या हो रहा है। ऐसा तो पागल सा फील हो रहा है अभी, आज ज़्यादा उत्तर जाना भी है गाइस, पापा कहाँ कहाँ दौड़ेंगे आप लोग गेस्ट करो। सो चलते हैं अभी आगे, आगे मिलेंगे आपसे आराम से। यहाँ का रास्ता बकवास, घटिया, एकदम से घटिया गाइस, और यहाँ के नेता वेता सब घूसखोर, सबसे ज़्यादा घूसखोरी करते हैं। हमारे योगी बाबा जो है एक बार इधर आ जाए ना, चेक करते हैं पहले। अभी ये रहा यूरिया, सब यूरिया है, ये कौन सा है, यहीं पे लगता है, यही, ये भी नहीं है गाइस, चेक दिस आउट, अभी क्या हो रहा है भाई साहब। सो गाइस यहाँ पे भी नहीं लगता है, डाई यहाँ पे भी ख़त्म है, सब डाई ही नहीं है। इधर देखिए, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो कैसे ना कैसे भी होगा, और क्या पापा लेकर जाएंगे, तो चलते हैं आगे। तो गाइस नहीं लिया हम लोग, वो बोल रहे हैं है ही नहीं, अभी ख़त्म हो चुका है, सब लोग मतलब लेकर जा चुके हैं, और चल रहे हैं अभी गेहूँ का रेट पूछ लें, गेहूँ इसी समय ले लेंगे वो अच्छी बात है, गेहूँ ले लें या फिर खाद ले लें, दोनों में से एक ही बात, लेना तो दोनों पर ही है। चलते हैं पहले आगे दुकान पर गेहूँ के। गाइस गेहूँ लेने का प्लान कैंसिल हो चुका है, और जा रहा हूँ अभी हम लोग घर, घर चलते हैं, और क्या यहाँ पर तो रहना में कोई फ़ायदा है नहीं, सोसाइटी पे खाद नहीं मिला, खाद ही की वजह से आए थे। और गेहूँ के लिए जो है अजीत गया था पूछने के लिए, पैसा ही नहीं है, 3,500 रुपये के करीब लग रहा है, जो कि मेरे को 10-15
15 दिन बाद ही होना है अभी, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने पानी चलाया हूँ घर पे। सो कोई बात नहीं, चलते घर पे यार। तो गाइस मैं अभी घर पे पहुंच चुका हूँ और मैं खा रहा हूँ गुलाब रबड़ी, देख सकते हैं, और चॉकलेट। और आप लोगों से बता दूं, अभी मिलेंगे सीधा शाम को चौराहे पे या फिर कहीं पे और, ठीक है। और फोन में चार्ज भी नहीं है, 10% मात्र ही, लाइट भी नहीं है। सो क्या करें, मिलेंगे शाम। तो फाइनली गाइस आप लोगों से बता दूं तो खाद नहीं मिला, क्या करें अभी। और आ चुका हूँ घर पे और हो चुकी है रात, और रात के बज रहे हैं 10, और आप लोगों से क्या ही बताऊं। सो गाइस आप लोगों से बता दूं ना तो इस वीडियो को यहीं पे जा रहा हूँ एंड करने, क्योंकि ये बहुत बैड वीडियो बना। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। और हाँ, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।